आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस, लड़ाई सच की। आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला यमुना बिहार की सीफोर मार्केट में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गोंडा विधानसभा के पूर्व विधायक व विधानसभा अध्यक्ष श्रीधर शर्मा ने बीजेपी द्वारा निगम में किए गए घोटालों का जनता के सामने अपने विचारों को रखा। उनके साथ पंकज राय, रावल जी, रविंद्र चौधरी, विनोद बंसल, रिंकू शाह, मनीष रावल, भरत गोसाई व विधानसभा के मीडिया प्रभारी विजय बंसल भी वहां उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से गौरव रावत के साथ हरिओम शर्मा की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग यहां सीचार यमुना बिहार में सभी लोग उपस्थित है, आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज जनता के बीच में आई है। जिस तरह से कि सभी को पता है, दिल्ली की जनता, पूरे वर्ल्ड को पता है कि दिल्ली की एमसीडी सबसे भ्रष्ट संस्था है। ये गूगल में भी आप लोग सर्च करोगे तो उसमें भी निकल कर आएगा कि पूरे भारत में सबसे, और पूरे वर्ल्ड में क्या, पूरे भारत में भी ये एमसीडी सबसे भ्रष्ट है। आज जिस तरह से लोग एमसीडी से त्रस्त है, उनके भ्रष्टाचारों से ये जग जाहिर है। और आज हम सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में उन घोटालों को बताने के लिए आए। जनता बहुत सपोर्ट कर रही है और जनता भी मानती है कि वाकई में 15 साल से बीजेपी ने जो एमसीडी में बैठी हुई है, उन्होंने कई भ्रष्टाचार करे हैं। ये बात बच्चा बच्चा आज जानने लग गया है। और जिस तरह से इनकी रणनीति होती कि जब भी चुनाव आता है कि हिंदू और मुसलमान करने लग जाते हैं, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, उन चीज़ों को समझने लगे हैं। या हम गली गली में जाते हैं, लोग कहने लगते हैं हमसे गलती हो गई, जो हमने आज ये अजय महावर जी को वोट दे दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रीधर शर्मा जी आज भी जनता के बीच में खड़े होकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे यमुना विहार गोंडा विधानसभा की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हम श्रीधर शर्मा जी को आज फिर जनता के बीच में यहाँ पर बिठा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जनता से, दिल्ली की जनता से गुजारिश करना चाहते हैं कि आने वाले एमसीडी चुनाव में जो 15 साल से भाजपा ने कई घोटाले, कई भ्रष्टाचार करे, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में मिलानी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यह है और कोई काम नहीं किया है, तो हम सबके पास जाकर बता रहे हैं भाई एमसीडी के ये कारनामे। उसमें सीधा होगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त होने का ऐलान करें, जैसे केजरीवाल जी ने कर रखा है। दिल्ली में अगर हम एमसीडी में आ गए तो हर घर के अंदर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था, पार्कों की व्यवस्था, जल पानी निकासी की व्यवस्था, और ये जितने सैनिटेशन प्रॉब्लम है, हम इन सबको दूर करेंगे। करना आपको अच्छी तरह याद होगा, 2017 में नगर निगम में कितने भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, सब ने कहा था भी हमारे निगम पार्षद भ्रष्ट है, इसलिए हम इनको टिकट इस बार किसी को नहीं देंगे। और कोई टिकट नहीं दिया उन्होंने किसी को भी। कोई भी एक मेंबर बीजेपी के निगम पार्षद से या विधायक से मिलकर दिखा दे आप। कोई भी, मतलब ये सारे के सारे 272 के 272 टिकट उन्होंने चेंज करे थे पिछली बार, और फिर कहा था भी हमारे निगम।